अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज जो शख्सियत हमारी वीडियो का मौजू है, उनका नाम है सदरुद्दीन हशवानी। सदरुद्दीन हशवानी एक पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत हैं। वो हाशु ग्रुप के बानी और चेयरमैन हैं, जो कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के लिए मशहूर हैं। आइए बात करते हैं सदरुद्दीन हशवानी की ज़िंदगी के बारे में। सदरुद्दीन हशवानी कराची के सूबे सिंध बरतानवी हिंदुस्तान में एक सिंधी ख्वाजा शिया मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए। हशवानी तीसरे इस्माइली इमाम आगा खान के साथ 1900 की दहाई के अवाइल में फ़ारस से हिजरत करके बलूचिस्तान के शहर लसबेला में आबाद हुए। हशवानी ने जामे कराची से तालीम हासिल की और 1960 में अपने भाई एहसन इकबाल यूसफजई के साथ मिलकर हसन अली कंपनी की बुनियाद रखी। 1970 की दहाई तक ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉटन ट्रेडिंग कंपनी बन चुकी थी। तहम कंपनी को 1973 में कौमिया लिया गया। 1978 में उन्होंने 1981 में कराची और बाद में इस्लामाबाद में हॉलीडे इन होटल का आगाज़ किया। दोनों होटलों को 1990 की दहाई में मैरियट ब्रांड में तब्दील कर दिया गया। 1985 में हशवानी ने पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड की अक्सरियती हिस्से के लिए कामयाब बोली लगाई, जिसके बाद पाकिस्तान भर में 4 इंटरकॉन्टिनेंटल होटलों की मलकियत थी। होटलों को पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स के नाम से दोबारा ब्रांड किया गया था। 2014 में हशवानी ने अपनी सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली याददाश्त सच्चाई हमेशा गालिब आई। मई 2011 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान और इसके इदारों बिलखसूस फ़ौज के लिए अपनी हमायत का इजहार किया और पाकिस्तानियों की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। अप्रैल 2016 में इनका और इनके बेटे मुर्तज़ा हशवानी का नाम पनामा पेपर्स में आया था। उन्होंने अपने कारोबारी कैरियर का आगाज़ 1960 में एक ताजर के तौर पर किया, जिसने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी हसन अली कंपनी का आगाज़ किया। 1970 के अवाइल में हशवानी को चावल और दीगर अजनास के सफ़े अव्वल के बरामद कनंदगान के अलावा पाकिस्तान के कपास के बादशाह के तौर पर तस्लीम किया गया। मिस्टर हशवानी ने अपने वसाइल को दूसरे कारोबारी मंसूबों, खास तौर पर होटल इंडस्ट्री की तरफ मोड़ दिया। 1973 में उन्होंने हॉलीडे इन इस्लामाबाद, जो कि अब का मैरियट होटल है, की तामीर का आगाज़ किया, जो 1978 में हशवानी होटल्स लिमिटेड की कारपोरेट छतरी के तहत खोला गया था। इसके बाद हॉलीडे इन कराची का आगाज़ हुआ, जिसका इफ्तिताह 1981 में हुआ था। मुख्तलिफ हाशु ग्रुप ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर होने के अलावा मिस्टर हशवानी मेसर्स जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी हैं। अगर सदरुद्दीन हशवानी की पेशा वराना कामयाबियों की बात की जाए, सदरुद्दीन हशवानी हाशु ग्रुप के चेयरमैन हैं। वो ईमान के एतबार से इस्माइली नजरी मुस्लिम हैं। आज हाशु ग्रुप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मतनों सनती ग्रुपों में से एक है, जिसकी दिलचस्पी सियाहत, सफ़र, रियल इस्टेट डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल, आईटी और तेलो गैस हैं। इसके अलावा हाशु ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास मालिकान और ऑपरेटर्स के तौर पर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स और मैरियट होटल्स के ब्रांड्स हैं, जिनकी पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में मौजूदगी और ओशन पाकिस्तान लिमिटेड एक बावकार तेल और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनी है। आज वो दुनिया भर में मेहमान नवाजी की सनत की सफ़े अव्वल की शख्सियात के तौर पर जाने जाते हैं और इन्हें आलमी सियाहती कन्वेंशन में पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की सनत के लिए नुमाया खिदमात के लिए गोल्ड मेडल समेत मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा गया है। मैरियट ग्रुप का ताल्लुक भी हाशु ग्रुप से है। जब हाशु ग्रुप ने मैरियट का नाम इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये कॉरपोरेशन की तारीख में पहली बार हुआ कि उन्होंने एक ऐसे होटल को फ्रेंचाइज दी जो बराह रास्त इनके इंतजामी कंट्रोल में नहीं था। सदरुद्दीन हशवानी इसे इंतहाई इत्मीनान की बात करार देते हैं, क्योंकि जब वो बिल मैरियट से मिले थे तो उन्होंने फ्रेंचाइज के बारे में कभी नहीं सोचा था,
फिर उन्होंने फ्रेंचाइज पेश करने से पहले अपने लोगों को इन होटलों का मुआयना करने के लिए भेजा था। हकीकत के तौर पर मेरिट का फ्रेंचाइज मुआयदा हिशवानी के होटल के मुआयदे की बुनियाद पर किया गया था और इसे पाकिस्तान में तैयार किया गया था। आज फ्रेंचाइज के मुआयदों की शक्ल हाशु ग्रुप ने शुरू की है और सदरुद्दीन हिशवानी बहुत मुतमईन है कि मेरिट ने प्रोडक्ट को तस्लीम करने और इसे अपने नाम देने का फैसला किया। सदरुद्दीन हिशवानी पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं जिनकी मालियत $1 बिलियन से ज़्यादा है। आइए अब बात करते हैं सदरुद्दीन हिशवानी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और किस तरह से वो एक बिलियनर बने। पाकिस्तान में इनके एतमाद का हाल ही में इस वक्त इम्तिहान हुआ जब मेहमान नवाजी में इनकी दो सरमायाकारी को पाकिस्तान के बदतरीन दहशतगर्दी के हमलों में से एक में निशाना बनाया गया। भारी नुकसानात के बावजूद इस मुल्क में इनका अज़्म मुतजलजल नहीं हुआ और उन्होंने इसकी दोबारा तामीर का अज़्म किया। उन्होंने ये किया और तबाहशुदा चीज़ों को दोबारा तामीर करते हुए उन्होंने तमाम नुकसानात और माली सानहात के दरमियान में अपने किसी मुलाजिम को नौकरी से ना निकाल कर एक हैरत अंगेज मिसाल कायम की। जनाब सदरुद्दीन हिशवानी ने 1960 में कॉटन ट्रेडिंग के कारोबार से आगाज़ किया और आज इनका सनती ग्रुप मुल्क के सबसे बड़े ग्रुपों में शामिल है जिसके पोर्टफोलियो में रियल इस्टेट, ऑयल एंड गैस, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, सिरेमिक्स और फार्मास्यूटिकल जैसे मतनों शामिल हैं। उन्होंने सख्त मेहनत और ज़हीन कारोबारी तरीक़ों से तरक्की की है जो इनकी कामयाबी की कहानी की अलामत है। आज वो दुनिया भर में मेहमान नवाजी की सनत की सफ़े अव्वल की शख्सियात के तौर पर जाने जाते हैं और इन्हें वर्ल्ड टूरिज़्म कन्वेंशन में पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की सनत के लिए नुमाया खिदमात के लिए गोल्ड मेडल समेत मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा गया है। पर्ल कॉन्टीनेंटल होटल्स और इनके ग्रुप के ज़ेर इंतज़ाम मेरिट होटल पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की सनत के लिए एक सनती मेयार रखता है। मिस्टर हिशवानी के ग्रुप ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी तौसी की जहां उन्होंने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया। आइए बात करते हैं अब सदरुद्दीन हिशवानी को मिले गए अवार्ड्स के बारे में। सदरुद्दीन हिशवानी पाकिस्तान के आला तरीन शहरी एजाज निशान इम्तियाज हासिल करने वाले पहले ताजर हैं। निशान इम्तियाज जिसको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है, पाकिस्तान में किसी भी शहरी को इनकी कामयाबियों और मुल्क के लिए शानदार खिदमात को तस्लीम करने के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने 23 मार्च 2019 को ऐवान सदर इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की तकरीब में हिशवानी को इस अवार्ड से नवाजा था। तो नाजरीन, ये थी सदरुद्दीन हिशवानी की ज़िंदगी पर एक नज़र। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।